मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब नूं निवेदन करांगा कि वह मंच ते आउण और अपने मुखार बिंद नाल तुहाडे रूबरू होण। जोरदार तालियां दे नाल प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। इतने इतने अच्छे कार्यक्रम में और इतनी प्रेरणा से भरी बातें सुन के मुझे सोच के आया था कि ये बोलूँगा, शिक्षा बड़ी अच्छी चीज़ है और भाई कन्हैया आश्रम बड़ा जो है ना मुबारकबाद के पात्र हैं कि वो अब शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जो सोच के आया था वही बोल सकता हूँ। इसलिए मुझे आज भी ये लगता है, अब भी ये लगता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई कन्हैया आश्रम मानव सेवा ट्रस्ट पहले जो इतना अच्छा काम ये कर रहे थे, जो लोग मानसिक रूप से सामान्य नहीं हैं और जो अनाथ हैं उनको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने आश्रम में रखा हुआ है। उस आश्रम में इस तरह से ऐसे मानसिक रोगियों की देखभाल करना, उनके साथ रहना वास्तव में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। मुझे संजीव जैन जी ने कहा कि आप आश्रम में चलो, आओ दोबारा चलो, एक बार तो मैं गया था लेकिन मैंने कहा कि वहाँ जाके आश्रम में ना बहुत काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन इस तरह के लोगों को देख के बड़ा दुख सा होता है, बड़ा डिप्रेशन सा आता है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वहाँ जाना। तो ऐसे माहौल में इस तरह की सेवा करना वास्तव में बहुत बड़ा चुनौती का काम है और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको जिनका दिल इंसानियत से भरा हुआ है। हम कई बार पढ़ते हैं सुनते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, हमारे धर्मों के गुरु भी हमें इस तरह की उपदेश देते रहते हैं लेकिन उस पर असल में अमल ये जो ट्रस्ट है ये कर रहा है। और देखो, आप सब लोग और सिरसा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के लोग मानव सेवा करने वाले आपके सिरसा में मौजूद हैं। सिरसा से बड़े बड़े शहर भी बहुत हैं लेकिन इस तरह की सेवा करने वाली संस्था, इस तरह के गुरमिंदर जी जैसे लोग बहुत कम बनते हैं। और आज के समय में पता नहीं ये कलयुग आज है या शुरू से ही कलयुग था, हम तो रामायण महाभारत सबसे पुरानी पढ़ते हैं, उसमें भी कोई सतयुग जैसी बात तो नज़र आती नहीं। लेकिन यदि आज का समय हम सबसे ख़राब मान लें तो भी आशा की आशा दिखाई देती है, उम्मीद दिखाई देती है कि इतने ऐसे ट्रस्ट सिरसा में काम कर रहे हैं और इतने ऐसे ट्रस्ट को दान देने वाले इतने सज्जन यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे समय में जब हर तरह का दान, जो पहले दान कहते थे वो आज के समय दुकानदारी हो गया है। आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा एक बहुत बड़ी दुकानदारी हो गया है। आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ एक बहुत बड़ी दुकानदारी हो गया है। हेल्थ तो इतनी बड़ी दुकानदारी हो गया है कि मतलब पैसे के चक्कर में गलत इलाज भी कर देते हैं। आदमी यहाँ से गुड़गांव जाता है अच्छा इलाज करवाने के लिए और वहाँ पैसे के चक्कर में आपका ऑपरेशन ना भी होना हो तो ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे एक दोस्त है वहाँ गुड़गांव में, डॉक्टर हैं ऐसे ही बड़े अस्पताल में, उनका यह कहना है कि पैसे के चक्कर में 40% ऑपरेशन बिना बात के होते हैं, ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती।
तो इतना बड़ा हमारा समाज जिसको हम आध्यात्मिक कहते थे, पता नहीं कभी था या नहीं था, लेकिन आज वो इतना पैसे के पीछे दौड़ रहा है। तो शिक्षा भी इसी तरह से बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, इतनी दुकानें खुली हुई हैं। पता नहीं अभी किसी स्कूल का नाम ले रहे थे, वो तो मैं वैसे ही प्रसंगवश कह रहा हूँ। आप गए स्कूल को ये बताने कि जी हम भी स्कूल खोल रहे हैं, उन्होंने सोचा कंपटीशन में आ रहे हैं। वो इसलिए सोचा ना कि पैसा कमाने का साधन है, और पैसे कमाने का साधन होने का नतीजा ये निकला कि जिसके पास पैसा है वो ले जाओ, जिसके पास नहीं है वो रहने दो। पैसे वाले तो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और गरीब आदमी जिसको शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है उसको बराबर की शिक्षा नहीं मिल पाती। और ये जो स्कूल आप लोग खोलने जा रहे हैं, ये तो समाज के उस तबके के बच्चों का स्कूल आप खोल रहे हैं जो मुझे लगता है समाज में सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा अनाथ हैं बच्चे। इन बच्चों को शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पूरे समाज से ज़्यादा ज़रूरत है, और अपनी परिस्थितियों की वजह से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बच्चों का विकास या इन बच्चों का कल्याण या धर्म की भाषा में कहें इनकी मुक्ति केवल शिक्षा ही कर सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है। इनका तो कोई ऐसा तुक्का लग नहीं सकता कि कोई बिजनेस करें, भगवान की कृपा हो जाए, अच्छा चल पड़े। तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोलना वास्तव में इंसानियत का काम है। इसके लिए मैं आप सबको, आप सब लोगों के सहयोग से ये ट्रस्ट कर रहा है, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जिस तरह का दान देने की प्रवृत्ति सिरसा के लोगों में है, ये हर शहर के लोगों में नहीं होती, और इस दान की वजह से इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं सिरसा में काम कर रही हैं, तो मैं दोबारा इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद है कि आप जो स्कूल की आज नींव रख रहे हैं, ये ऐसे बच्चों के लिए वास्तव में उनके मुक्ति के द्वार ये साबित होगा, और ये बच्चे अपनी इन परिस्थितियों को पीछे छोड़कर समाज में अपना बराबरी का हक हासिल कर सकेंगे। क्योंकि शिक्षा ही एक तरीका है जो आपको ढंग से सोचना सिखाता है। सोचता विचारता तो अनपढ़ आदमी भी है, दिमाग तो लगभग सबका बराबर होता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आपके पास ज्ञान ज़्यादा आता है, आपके पास सूचनाएं ज़्यादा होती हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, और उस ज्ञान सूचनाओं इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हो, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसले ले सकते हो। शिक्षा ही वो चीज़ है जो ये तय करती है कि कौन जिंदगी में कितना आगे बढ़ेगा। अंग्रेज तो थोड़े से आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और बड़ी जल्दी पूरे इतने बड़े देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। हम लोग कोई शरीर में उनसे कमजोर थोड़े थे, पहलवानी और अखाड़े तो हमारा पुराना शौक रहा है। लेकिन वो हमसे ज़्यादा शिक्षित थे, हमसे ज़्यादा सूचनाएं थी उनके पास, हमसे ज़्यादा ज्ञान था। उन्होंने हमारा विश्लेषण किया, उन्होंने देखा कि हम लोग किस तरह से आपस में बटे हुए हैं, हम लोग कितना छुआछूत को मानते हैं, हमने समाज के एक पूरे तबके को इंसानियत से नीचे गिरा रखा है, हमारी
फूट का फ़ायदा उठाया। टेक्नोलॉजी उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी थी और बड़ी जल्दी इस देश के मालिक हो गए। अभी प्रदूषण पे नीचे बैठे बात कर रहे थे, दिवाली पे बहुत पटाखे बजाए हम लोगों ने, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों बजाए थे, किस चीज़ की खुशी थी। और ये खुशी खुशी अनुभव करने का कौन सा तरीका है? हमारे देश में तो बारूद पहली बार बाबर लेके आए थे, बाबर से पहले बारूद का पता ही नहीं था। बाबर ने जब हमला किया, बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, तो बाबर के पास बंदूकें थी और इब्राहिम लोदी के पास वही तलवारें और तीर कमान थे, हार गया। टेक्नोलॉजी उसकी ज़्यादा अच्छी थी। तो रामचंद्र जी जब आए उस टाइम तो बारूद ही नहीं था, दीवे जला के उनका स्वागत किया होगा, लेकिन अज्ञानता है, अनपढ़ता है, हम लोग जुटे रहते हैं। और आज हवा देख लो आप, उसमें और भी फैक्टर होंगे लेकिन वह भी है, तो ये हमारी अज्ञानता के कारण है। आज इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, पहले तो महिलाओं को पढ़ने भी नहीं देते थे, ये कहते थे महिला कोई पढ़ने जाएगी तो वो बुरी औरत है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे शिक्षा शुरू करी महिलाओं ने, शिक्षा मिली और आज बराबर है, हर फील्ड में बराबर है, कुछ फील्ड में तो हमसे ज़्यादा भी है। टीचर्स आज महिलाएं ज़्यादा है, नर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो शिक्षा ही हमारे विकास के द्वार खोलता है, इसलिए मुझे लगता है बहुत अच्छा काम आज ये ट्रस्ट कर रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जिस तरह से सिरसा के दानी सज्जन इस नेक काम में मदद करने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, और वो बड़े खुश होते हैं ऐसा काम करके, कि स्कूल बड़ी जल्दी अपनी शक्ल अख्तियार कर लेगा और गरीब बच्चे जो इस दुकानदारी की शिक्षा में नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चों को शिक्षा दे के उनका भी समाज में एक अच्छा योगदान वो दे सके, ऐसा इन बच्चों को बनाएगा। मैं दोबारा आप सबका, मंच पर विराजमान दानी सज्जनों का और ख़ास तौर से गुरुमंदिर जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे काम में इन्होंने अपना हाथ लगाया। धन्यवाद सर। चलो चले यहाँ बरसात नहीं होती वहाँ बरसात देने को, रोते बिलखते चेहरों पर मुस्कान देने को, इस अंधेरे में नया प्रकाश देने को, जरा हाथ उठाकर ताली बजाकर बताओ तो सही, यहाँ पर कौन राजी है हमारा साथ देने। दर्शन एक बहुत भव्य स्कूल यहाँ पर बने।